जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ शहरों में रहने वाले लोग ही ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन जैसी और भी कई सारी वेबसाइट्स के जरिए खरीदारी किया करते थे। लेकिन अब शहरों के साथ साथ गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग भी इन वेबसाइट्स के जरिए अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं और दिन ब दिन इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने अपनी खुद की सब्सिडरी वाली कोरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां बना रखी हैं जिन्हें फ्रेंचाइजियों द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक कंपनी जिसका नाम है ई कार्ट, जो कि फ्लिपकार्ट द्वारा चलाई जाने वाली उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, इसकी कोरियर फ्रेंचाइज जुड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम उन कंपनी की डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं जो अपनी कोरियर और लॉजिस्टिक्स बिजनेस की फ्रेंचाइजी ऑफर मार्केट में प्रदान कर रही है, और यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है जो इस फील्ड में अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम डीटीडीसी, डिलीवरी, गति, ब्लू डार्ट, फ्लाई लॉजिस्टिक्स और एक्सप्रेस बीज कंपनी की फ्रेंचाइजी ऑफर पर कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, जहां से आप इन कंपनियों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही इनकी फ्रेंचाइजी ऑफर की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ई कार्ट की फ्रेंचाइजी लेकर आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप एक लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले उस कंपनी के कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ई कार्ट कोरियर से जुड़ी सारी जानकारी हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट ई कार्ट कंपनी कि आखिर ये ई कार्ट कंपनी है क्या। नंबर 2 पॉइंट्स कि क्या बेनिफिट मिलते हैं फ्रेंचाइजी को ई कार्ट की तरफ से। नंबर 3 पॉइंट कि हाउ ई कार्ट फ्रेंचाइजी वर्क्स, यानी जो फ्रेंचाइजी होती है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरीके से काम करती है। नंबर 4 पॉइंट कि क्या एलिजिबिलिटी और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको ई कार्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर 5 पॉइंट कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी आपको इस फ्रेंचाइजी को शुरू करने के लिए। और नंबर 6 पॉइंट कि क्या अर्निंग एनालिसिस, यानी कितनी आपको रिटर्न मिलने जा रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ई कार्ट फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट कंपनी की शुरुआत अक्टूबर 2007 में सचिन बंसल जी और बिन्नी बंसल जी द्वारा की गई, और ई कार्ट कंपनी की स्थापना 2009 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। दोस्तों फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है ई कार्ट, जो फ्लिपकार्ट का कंप्लीट सप्लाई चेन संभालती है, यानी ग्राहकों द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर बुक किए जाते हैं उन्हें डिलीवर करने का काम ई कार्ट ही करती है। ई कार्ट ने मात्र 13 सालों में कोरियर और लॉजिस्टिक्स की मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार ई कार्ट हर महीने 10 मिलियन से ज्यादा शिपमेंट्स डिलीवर करती है, और साथ ही यह कंपनी लगभग 4000 पिन कोड्स पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। दोस्तों ई कार्ट कोरियर का नेटवर्क पूरे देश में फैल रहा है, जिसमें कंपनी हजारों ऑफिसेज और सर्विस सेंटर के साथ काम कर रही है। दोस्तों ई कार्ट अपने इस नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाने के लिए व साथ ही अपने प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त करने व बेहतर करने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगी हुई है और अपनी फ्रेंचाइजी प्रदान कर रही है। और अगर आप भी चाहें तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला, ई कार्ट अपने कस्टमर्स को 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। ई कार्ट अपने कस्टमर्स के लिए एक्सप्रेस सर्विस यानी सेम डे डिलीवरी और पिकअप सर्विस भी प्रदान करती है। नंबर 3, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में ई कार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट, ई कार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस को सेटअप करना बहुत ही आसान है। नंबर 5 पॉइंट, कंपनी अनुसार ई कार्ट अपनी फ्रेंचाइजी को पर डिलीवरी अच्छा खासा कमीशन देना सुनिश्चित करती है। नंबर 6 पॉइंट, ई कार्ट अपनी फ्रेंचाइजी को वीकली पेमेंट पे करती है। और नंबर 7 पॉइंट, ई कार्ट अपनी फ्रेंचाइजी को स्टोर सेटअप और नए सिरे से बिजनेस शुरू करने में भी मदद करती है। और आखिर में ई कार्ट अपने पार्टनर्स को
ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रदान करती है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ई कार्ड फ्रेंचाइजी लेने के बाद फ्रेंचाइजर की क्या जिम्मेदारी होती है और वो काम कैसे करती है, फ्रेंचाइजी किस प्रोसेस को फॉलो करती है इस बिजनेस को करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि फ्लिपकार्ट जो कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए अपनी एक सब्सिडियरी कोरियर कंपनी बनाई हुई है जिसे हम ई कार्ट नाम से जानते हैं। यह दोनों प्रकार की कवरेज यानी फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कवरेज प्रदान करती है जिसमें सेलर के यहां से पार्सल्स को पिक करना और साथ ही कस्टमर्स तक उन पार्सल्स को डिलीवर करना शामिल है। तो सबसे पहले आपके पिन कोड यानी आपके निर्धारित इलाके में फ्लिपकार्ट द्वारा जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं उन्हें ई कार्ट के फैसिलिटी गोडाउन तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद इस फैसिलिटी गोडाउन से उन पार्सल्स को पिक करके आपके निर्धारित स्टोर तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद इन ऑर्डर्स को आपकी फ्रेंचाइजी अपने डिलीवरी बॉय के जरिए कस्टमर्स तक उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है और इन्हीं डिलीवरीज पर आपकी फ्रेंचाइजी को कमीशन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ई कार्ट फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहला आपके पास में कुछ आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपके पास में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, पासबुक, ये आपके पास में होना चाहिए। नंबर टू आपके आपको फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट करने होंगे जिसमें आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, कैंसिल चेक, ये जरूरी होगा। साथ ही अगर आपके पास में खुद का प्रीमाइसेस है जहां पर आप ये फ्रेंचाइजी शुरू कीजिएगा, अगर वो जगह आपकी खुद की है तो वहां के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिसमें आपकी रजिस्ट्री या फिर कन्वेंस डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंडलाइन फोन नंबर, ये चाहिए होगा। और साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास में वो प्रीमाइसेस जो है वो रेंटेड है तो आपको वहां का रेंटल या फिर लीज एग्रीमेंट, ये जमा कराना होगा। और साथ ही आपके पास में आपके पर्सनल फोटोग्राफ, फोन नंबर, ये चाहिए होंगे। और साथ ही आपको अपना ट्रेड लाइसेंस भी सबमिट करना होगा और साथ ही आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी आपको देना होगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी वर्किंग कैपिटल की और साथ ही किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी ई कार्ड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो इसके लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला कॉलम आप देखिए ये है एरिया का, इसमें हम बताएंगे आपको कितने स्पेस की जरूरत होगी। नंबर टू कॉलम है इक्विपमेंट्स का, किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। नंबर थ्री है व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स की जरूरत होगी। नंबर फोर कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत होगी और लास्ट में टोटल सेटअप कॉस्ट क्या होने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में एरिया लगभग 400 से 500 स्क्वायर फुट की आपको जगह की जरूरत होगी और यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है आपकी डिपेंड करती है टोटल इस प्रोजेक्ट को लेके। अगर हम बात करें अगर आपके पास में खुद का प्रीमाइसेस है तो आपकी वहां इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, अदरवाइज फिर आपको जो है रेंट पे या फिर कोई जगह आपको खरीदनी होगी। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें दोस्तों तो आपके पास में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वो होना जरूरी है। आपके पास में 24 आवर्स इलेक्ट्रिक बैकअप होना जरूरी है और साथ ही आपके पास में 24 आवर्स का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। साथ ही आपके पास में बारकोड स्कैनर, वेइंग मशीन, पीओएस मशीन और काउंटर्स होने चाहिए। आपके पास में इलेक्ट्रिक फिटिंग पे आपको खर्चा करना होगा। साथ ही आपके पास में सीसीटीवी कैमरा और कुछ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी और साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसके कंप्लीट इंटीरियर सेटअप में। अब बात करते हैं दोस्तों व्हीकल्स की। तो आपके पास में इनिशियली स्टार्ट करने के लिए एक या दो टू व्हीलर के साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका ये बिजनेस बड़ा होगा तो आप नंबर ऑफ व्हीकल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब इंप्लॉयज की बात करें तो सेम वही है, फॉलो करते हैं कि भाई आपके पास में शुरुआत में एक या दो डिलीवरी बॉय होने चाहिए और जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा तो आप ये डिलीवरी बॉयज को बढ़ा सकते हैं। अब टोटल सेटअप कॉस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जिसमें आपकी फ्रेंचाइजी फीस भी इंक्लूसिव है और साथ ही आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी हम मान के चलते हैं कि आपका मैनेज हो जाएगा। और अलग से अगर हम बात करें तो आपको स्पेस जो है जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपके पास में खुद की जगह है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट बच जाएगा, अदरवाइज फिर आपको अपनी जगह के लिए भी इन्वेस्टमेंट अलग से करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या आपको रिटर्न मिलने जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें रिटर्न या इनकम की तो इस बिजनेस में आपकी इनकम डिपेंड करती है कि आपकी फ्रेंचाइजी को आपके निर्धारित पिन कोड पर कितने नंबर ऑफ पार्सल्स मिलते हैं डिलीवरी करने के लिए और इन सारे पार्सल्स पर कमीशन भी अलग अलग दिया जाता है जो डिपेंड करता है उनकी कैटेगरी, साइज, वेट और प्रोडक्ट की कीमत पर। यानी हर प्रोडक्ट पर कमीशन परसेंटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो कि 2% से लेके और 15% तक वेरी हो सकता है। डिलीवरी करने वाले प्रोडक्ट साइज में जितना बड़ा होगा, जितना भारी होगा और जितना कीमती होगा उतना ही ज्यादा कमीशन फ्रेंचाइजी को दिया जाता है। दोस्तों हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से
पिछले 13 सालों से ई कार्ट लगातार मार्केट में अपना काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी फ्रेंचाइजी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं किस तरीके से आप ई कार्ट फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से, यानी जो भी आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी मेल आईडी से आपको adminquiry@flipkart.com पर एक इंक्वायरी मेल सेंड करना होगा। और इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं वहीं चल के आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से ई कार्ट फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जब आप उस मेल को सेंड कीजिएगा तो वहीं से आपके पास में रिवर्ट आएगा। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से एक मेल सेंड करना होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो उसका एड्रेस है वो हमने जैसे आपको बताया adminquiry@flipkart.com, यहां पर आपको 2 में वो लिखना होगा और साथ ही सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा रिगार्डिंग लिंक ऑफ प्रपोजल फॉर्म टू अप्लाई फॉर ई कार्ट फ्रेंचाइजी। और उसमें आप जो आप लेटर मेंशन कीजिएगा उसमें लिख दीजिएगा डियर सर दिस टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड द प्रपोजल लिंक टू अप्लाई फॉर ई कार्ट फ्रेंचाइजी थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम और फोन नंबर। बस सिंपल से ही आप ये 2 लाइन टाइप करके और यहां पे आप सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद में विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके पास में एक वहां से इंक्वायरी लिंक जनरेट होकर आपके पास में रिवर्ट आ जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से उस प्रपोजल फॉर्म को फिल कीजिएगा। जो आपके पास में लिंक आएगा ये देखिए अब आपके पास में आ गया है वो लिंक, और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे यहां पर आएगा कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, काइंडली फिल इन योर डिटेल्स इन द लिंक बिलो एंड वी विल रीच बैक टू यू सून। अब आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इंक्वायरी फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास कंपनी द्वारा कॉल अरेंज किया जाएगा, और अगर म्यूचुअली आप दोनों के बीच में टर्म्स कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं और साथ ही ई कार्ट को ये लगता है कि आपके इलाके में फ्रेंचाइजी ओपन करना एक फायदे का सौदा हो सकता है, तो आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेने के बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसको एक लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।